गाइस, हम कई बार मॉल से बड़े बड़े शोरूम से शॉपिंग करते हैं, बट ट्रस्ट मी, आज का जो वीडियो है उसमें आप देखोगे कि मुझे कई सारी चीज़ें ऐसी मिली हैं जो बेहद ब्यूटीफुल एंड लोएस्ट प्राइस हैं, जो कि मैंने स्ट्रीट मार्केट से या छोटे छोटे जो स्टॉल होते हैं उनसे ली है। और फ्रेंड्स, मैंने फील किया है कि यही चीज़ें हम बड़े बड़े शोरूम से कितने हाईएस्ट प्राइस पे खरीद लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मुझे आप सब जानते हैं, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट कोमल उपाध्याय। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूं अपने स्ट्रीट शॉपिंग हॉल का वीडियो, जिसका वीडियो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, वो आपने काफी पसंद भी किया है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो जो सामान मैंने वहां से खरीदा था उसका प्राइस और उस एक्सपीरियंस कि वो सामान कैसा निकला है और मैं उसका क्या करने वाली हूँ, ये सब मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने ये फ्रॉक ली थी, बहुत ही प्यारी सी फ्रॉक है और ये सिर्फ मैंने 600 रुपीज की ली थी और ये मैं धुल भी चुकी हूँ, बिल्कुल भी फैब्रिक भी खराब नहीं हुआ है और सिर्फ ये 600 की ली थी। मुझे बहुत अच्छी लगी और इसका लुक बहुत अच्छा आता है। मैंने, आपने देखा भी होगा, मैंने इसे अहोई अष्टमी पे पहनाया था विनी को। बिल्कुल हैंड वॉशेबल है, ना ही कलर निकला है ना ही मोती निकले हैं और एकदम कम्फर्टेबल है। और फ्रेंड्स, मैंने ये वहाँ से नेट भी ली थी, बहुत अच्छा मुझे इसका प्राइस मिल गया था। ये 7.5 मीटर है और ये 100 रुपीज़ की 2 मीटर थी, बहुत मुझे सही लगी तो मैंने ये 7.5 मीटर ली है, बट उन्हें उन्होंने हमें ये 350 में दे दी थी। इसका भी वीडियो मैं जल्द ही आपके साथ शेयर करूँगी। इसी के नीचे मैंने ये लगाने के लिए क्लॉथ लिया था, मुझे एकदम से सेम मैच मिल गया था, बाद में फिर अच्छे से मैच नहीं हो पाता, तो ये भी मैंने 30 रुपीज़ पर मीटर लिया है। ये इस वाली नेट का मैंने पहले भी यूज़ किया है और वो मैंने 70 रुपये पर मीटर खरीदी थी, बट ये मुझे 100 रुपीज़ में 2 मीटर मिल गई, तो ये मैंने फट से ले ली। और ये वाला कलर भी मुझे बहुत पसंद है। और ये है शिमर नेट, ये मैंने जो कट पीसेस के स्टॉल लगे होते हैं वहाँ से लिया है। ये 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर का पीस है और ये मुझे ओनली 30 रुपीज़ में मिला है। जल्द ही मैं इन दोनों के कंट्रास्ट में कुछ बनाने वाली हूँ, कुछ DIY करने वाली हूँ, जो आपके साथ हो सकेगा तो शेयर करूँगी। और फ्रेंड्स, ये है वेलवेट क्लॉथ, इसका वीडियो भी, इसका DIY भी मैं आपके साथ जल्द ही शेयर करने वाली हूँ। ये मैंने कई सारे कलर लिए हैं, वैसे हम इसको एज ए सोफ़ा थ्रो या एज ए टेबल रनर, एज ए बेड रनर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके मैंने कई सारे कलर लिए हैं, बड़े ही कलरफुल थे, ब्राइट कलर थे, मुझे बहुत पसंद आए तो मैंने ले लिए। और ये मुझे एक जगह से 60 रुपीज़ पर मीटर पड़ा है और जो कलर मुझे नहीं मिल पाया था वो मैंने दूसरी जगह से लिया है, तो वो मुझे 70 रुपीज़ पर मीटर मिला है। इसमें मुझे ब्लू कलर भी चाहिए था बट वो मुझे नहीं मिल पाया है फिलहाल, मैं उसको ढूँढ रही हूँ, जल्द ही इसका वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। ये लेसिस मैंने ली हैं कुछ DIYs के लिए, ये मैंने 5 रुपीज़ पर मीटर ली है और ये मैंने ली है 10 रुपीज़ पर मीटर। शिमर लेस है, बहुत प्यारी मुझे ये लगती है तो मैंने इसको ले लिया है। और ये है सिल्वर कलर की, ये पता नहीं मुझे इसको क्या बोलते हैं, लेकिन ये भी मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो ये मुझे पड़ी है 12 रुपीज़ पर मीटर, जबकि उन भैया ने ये 20 रुपीज़ पर मीटर बताई थी, बट फिर हमने थोड़ी सी बार्गनिंग की, थोड़ी सी क्या, काफ़ी ज़्यादा बार्गनिंग की और फिर उन्होंने हमें ये 12 रुपीज़ पर मीटर दी। अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ फ्रेंड्स, ये मैंने ली थी बेड शीट, मुझे बहुत ही प्यारा इसका पैटर्न लगा और बहुत ही प्यारा इसका वूलन फैब्रिक है और सॉफ्ट है, कंफर्टेबल है, बट मुझे इसके प्राइस थोड़े से महंगे लगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है क्योंकि अभी तक मैंने लास्ट ईयर भी इसी फैब्रिक में जो बेड शीट खरीदी थी वो मुझे 450 की मिली थी, बट इस बार मुझे 600 की मिली है। वो भैया हमें ये कम भी करके दे सकते थे बट हमारे पास बार्गनिंग करने का बिल्कुल टाइम नहीं था। जब भी मैं इसको बिछाऊंगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है, कंफर्टेबल है और कलर भी बहुत ट्रेंडी है। जो इसके पिलो कवर हैं फ्रेंड्स, उसमें देखिए पीछे इस तरह से चेन दे रखी है, अच्छी वाली चेन है और मतलब बहुत जल्दी से जो निकल जाती है वैसी नहीं है, काफ़ी अच्छी है। और ये किंग साइज़ बेड शीट है फ्रेंड्स। ये मैंने वहाँ से कुछ बैंगल्स भी खरीदी थी, ये भी 100 रुपीज़ की पूरी, मतलब 12 जो चूड़ियाँ आती हैं, एक दर्जन चूड़ियाँ आती हैं उसकी ये डब्बी थी, ये पूरा इस तरह से बंच में था, ये भी 100 रुपीज़ का था, बहुत अच्छा सेट बन के इनका रेडी हुआ था, आपको मैंने ये दिखाया था। तो इसमें से सभी जितने भी बैंगल्स हैं सब मैंने 100 100 100 100 और ये मैंने 50 रुपीज़ में लिया था, ये इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है तो ये 50 रुपीज़ का लिया था। और फ्रेंड्स, बारी आती है इसकी, ये है मेरी साड़ी जिसको मैंने अहोई अष्टमी पे पहना था, आपके साथ ब्लॉग भी शेयर किया था।
करवा चौथ और अहोई अष्टमी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी, आप देख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारी साड़ी ये मुझे लगी और इसका प्राइस उन्होंने 2300 बताया था, बट जब हमने दोनों चीज़ साथ में ली, यानी एक ये साड़ी थी और एक ये लहंगा था, ये तो लहंगे का ब्लाउज है, एक ये लहंगा था, लहंगा भी बड़ा ही प्यारा है। ये लहंगा है और ये जो है ये साड़ी है, तो इन दोनों में हमें लहंगा बताया था उन्होंने होल सेल प्राइस में और इसका होल सेल प्राइस था 3500 और जो साड़ी थी इसका पता नहीं मुझे होल सेल प्राइस था या रिटेल प्राइस था, ये इसका प्राइस उन्होंने बताया था 2300। जब दोनों चीज़ हमने साथ में ली थी तो उन्होंने हमें दोनों चीज़ 4800 में दी थी और दोनों का लुक काफ़ी अच्छा रहा है, दोनों चीज़ें मुझे काफ़ी पसंद आई हैं। ये ब्लाउज में लगाने वाले लटकन हैं, ये उन्होंने मुझे 150 का पेयर बोला था, बट फिर जब हमने थोड़ी सी बार्गनिंग की तो ये उन्होंने हमें 120 का दिया। लहंगे का कंट्रास्ट में दुपट्टा है, लाइट कलर के साथ डार्क कलर दिया है और बहुत ही ब्यूटीफुल मुझे इसका कॉम्बिनेशन लगा है। कमेंट करके ज़रूर आप मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या चीज़ सबसे ज़्यादा सही लगी है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप मार्केट का एड्रेस चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको एड्रेस प्रोवाइड करा दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।